वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज शादी वाला दिन है और मेरी हालत ऐसा है, देख लो। मतलब मैं अब भी उठी हूँ, लिटरली इतना ज़्यादा शादी और संगीत में, मेहंदी और संगीत में थक गई थी। तो अभी मैं जाऊँगी, अभी उठी हूँ, अभी ब्रेकफास्ट करूँगी। ब्रेकफास्ट का टाइम तो चला गया, डायरेक्ट लंच करूँगी रेडी होने के बाद। तो अभी नहाने चलते हैं, रेडी होते हैं। अब तक अच्छे से रेडी है घिरारी के कार्यक्रम के लिए। तो अभी ऊपर स्टार्ट हो चुका है, हम जाएंगे। और ये है मेरा आउटफिट है, अभी बेसिक बहुत ही नॉर्मल रखी हूँ क्योंकि उसके बाद शादी है तो उसमें चेंज करना है। अब चलते ऊपर, देखते हैं ऊपर क्या क्या हो रहा है। अभी हो रहा है दान दक्षिणा, जो कि मामा और मामी की तरफ से किया जाता है सारे फैमिली मेंबर को। तो अभी मम्मी को मिला, उसके पहले मुझे भी मिला, और भी जितने फैमिली मेंबर आए थे सबको वो दान दक्षिणा मिला है। जिसमें अब रेडी हो रही हूँ मैं बारात के लिए। इनफैक्ट हम सब रेडी हो रहे हैं बारात के लिए। और ये मेरा आधा अधूरा लुक, अभी फुल रेडी होना बाकी है। तो फुल लुक मैं ऑब्वियसली दिखाऊंगी। बहुत देर से वेट हो रहा था, बहुत दिन से वेट हो रहा था इस दिन का। तो बारात आने वाली है, बस कुछ देर में पहुंच जाएगी। तो मैं सोची उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि रेडी हो रही हूँ। हाँ, रुचि गाइड कर रही है मुझे इधर से। तो पहले फुल तैयार हो जाते हैं, बारात आती है, सब कुछ दिखाऊंगी, शेरवानी। अब मैं कम्प्लीटली रेडी हूँ, सब कुछ एकदम अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम लोग जाएंगे नीचे, पहले कुछ खाएंगे क्योंकि बारात आने वाली है, तो फिर मौका नहीं मिलेगा खाने का। सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी, तो अभी कुछ खाएंगे। और मम्मी और दीदी अभी रेडी हो रही है, देखिए भाभी भी कम्प्लीटली रेडी है लहंगा पहन के। आप सेट नहीं पहनी? सेट मेरा तोड़ दी मेरी बेटी। अरे वाह, गुड न्यूज, इनका सेट टूट गया। तो हम लोग चलते हैं खाने, ठीक है। सारी चीज़ों का प्रबंध किया गया है ना। क्या क्या है अभी चाउमीन खा रही है? स्टार्टर में चाउमीन है, और क्या क्या है? गोलगप्पा है, गोलगप्पा है, और बाहर क्या है? और वो भी तो डोसा भी है। हाँ, डोसा। और क्या है? मैं चाउमीन खा रही हूँ। खाओ, हाँ रुक के खाएंगे। तो अब मैं खाऊंगी चाउमीन विथ मंचूरियन। बस बस बस, काफी। ग्रेवी बिल्कुल नहीं, थैंक यू। स्पून। ये है खाने की वैरायटी, सामने दिख ही रहा है आप लोगों को। यहाँ पे मैं तो खा ही रही थी, लेकिन मेरे साथ साथ श्रुति भी खा रही थी, मेरे प्यारे प्यारे कोमल कोमल हाथों से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और श्रुति को भी बहुत अच्छा लग रहा था। और सालू भी एकदम प्रॉपर रेडी होकर आई है। भाई साहब देखो देखो, पूरा अटायर दिखाती हूँ, देखिए ये पूरा अटायर है इन लोगों का, जिसका इंतजार था वो आ गया है। बारात आ गई है, स्टेज पे जा रहे हैं। और दूल्हे राजा की एंट्री के टाइम इतनी क्राउड नहीं थी जितने लड़की की एंट्री के टाइम थी, मतलब दुल्हन की एंट्री के टाइम थी। तो आप देख ही रहे हो, चारों तरफ से घिर गई हुई है वो। और इसके बाद स्टेज पे जब गई, दुल्हन दुल्हन के पास इतने सारे फोटोग्राफर्स हैं कि हमें मौका ही नहीं मिल रहा है कि हम कुछ भी इसमें रिकॉर्ड कर पाए। तो आप लोग यही देख कर प्लीज खुश हो जाइए। बस हो गया जमाला हो गया। अच्छा हो गया, बस आप इमेजिन कीजिए हो गया, क्योंकि हमें भी कुछ नहीं दिख रहा है यार। गाइस गर्मी से लिटरली बहुत हालत खराब है, इतना शर्माता क्यों हो तू? क्या मजा, फ्रेंडली नहीं है ना, डांस करता है ना कुछ करता है, तो मिल के बात कर रहे, कॉल पे बात तक नहीं करते। तो अब स्टार्ट हो गया लड़का लड़की का फोटोशूट जमाला के बाद। तो वही चल रहा है अभी और हम लोग बस देख रहे हैं। जयमाला होने के बाद लड़के की गाल सिकाई होती है, तो यहाँ पे मम्मा कर रही है गाल सिकाई लड़के की, और उसके बाद सारी भाभी लोग भी करेंगी, सब लोग करेगा। और मैं शादी में इतने अच्छे से तैयार होने के बाद फोटोशूट ना कराऊं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं तैयारी इसलिए होती हूँ यहाँ ताकि कुछ फोटोज अच्छी आ जाए मेरी। तो यहाँ हो रहा है मेरा फोटोशूट। चलो फोटो ही ले लेते हैं।
शादी का रस्म यहाँ से स्टार्ट हो गया है। आप लोगों को एक बेस्ट बात बताती हूँ, इसे इग्नोर करना। अभी ना जैसे जीजू आए और जूता छुड़ाने वाला रस्म होता है, तो मैं तो लहंगे में थी, मैं ऊपर उनके साथ साथ दौड़ के नहीं जा सकती थी। तो मैं ना कुछ लोगों को, मतलब कुछ बच्चे को भेजी ऊपर कि जाओ जैसे ही जूता खोले वैसे ही चुरा लेना। उन्होंने सेम ऐसा ही करा, जैसे ही जूता खोले वैसे ही वो हटा लिए जूता। अभी हमारे पास है जूता, बाकी कितना क्या मिलता है जीजू की तरफ से वो तो आप लोगों को बताना ही है। और अभी हम सबकी हालत हो चुकी है बहुत ही ख़राब गर्मी के कारण, तो शादी स्टार्ट होने वाला। अभी हम लोग कुछ कैजुअल पहनेंगे, मतलब ऐसे तामझाम वाला बहुत ज़्यादा नहीं, मेरा वो भी तामझाम वाला ही है, बट ठीक है फिर भी इससे हल्का है। तो अभी चेंज करेंगे, उसके बाद जाएंगे ऊपर, शादी वादी अटेंड करेंगे, देखेंगे क्या होता है, रिचुअल्स एंड ऑल। तो पहले चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मम्मा पापा मिलकर कुछ लड़का लड़की को भेंट कर रहे हैं, मतलब दान कर रहे हैं। तो उसके साथ दीदी के तरफ से एक बहुत अच्छा पर्स था, मम्मी के तरफ से और पापा के तरफ से इयर रिंग था गोल्ड का। तो ये सारी चीजें दान हो रही है। शादी का रिचुअल्स होते होते ना सुबह के कितने बजे, एक मिनट, सुबह का 4:53 हो रहा है, डेट ऑलमोस्ट 5। और एकदम ये बच्चे भी पूरे रात जगी रही है और देख लो नींद कितनी आ रही है। शादी होने के बाद ना सबसे ज़्यादा इमोशनल पार्ट जो होता है वो लड़की की विदाई होती है, जो कि अभी दीदी की विदाई हो रही है। और सबके आँख में ना आंसू भरे भरे हैं, बहुत इमोशन है सबके अंदर, बहुत फीलिंग है सबके अंदर, वो सब बाहर निकल रहा है। क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है लड़की की विदाई करना, बहुत इमोशनल फील होता है, बहुत मैं क्या बताऊँ। तो दीदी की विदाई हो गई, वो ससुराल चली गई, उसके साथ साथ हम भी चलते हैं।